घर बनते हुए तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन अब इन घरों को बनाने और दीवार बनाने के तरीकों को काफी ज्यादा बदल दिया गया है। नई तकनीकों में घरों को काफी ज्यादा अलग तरीके से बनाया जाता है। आज हम आपको घर बनाने के कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर आप भी दीवार बनाने की नई तकनीकों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहो, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल आगे मत जाना। नंबर 5, ब्रिक हैंडल। एक समय था जब ईंट को मजदूरों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ऐसा नहीं है कि अब ईंट उठाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों की जरूरत ही ना पड़ती हो, लेकिन अब जरा ईंट उठाने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब ईंट को उठाने का काम एक छोटा गैजेट बहुत आराम से कर सकता है। तो दूसरी ओर इस शानदार गैजेट में एक बार से बहुत सारी ईंटें उठाने में आपकी मदद कर सकता है, जिसके बाद आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। नंबर 4, कार्ब रोलर। आजकल सरकारी कामों में बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है, और आज भी सरकार के द्वारा कई जगहों पर नाली बनाने का काम किया जाता है, लेकिन आजकल नाले बनाने का काम इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि मशीनों द्वारा किया जाता है, जो किसी भी नाले को शानदार आकार दे देती है, जिसके बाद उसमें अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी वजह से सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नालों को बहुत कम समय में और बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। नंबर 3, थर्मल वॉल। आप लोगों ने ईंट की दीवार बनते हुए तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी दीवार देखी है जिसको थर्मोकोल के द्वारा बनाया गया हो? जी हाँ दोस्तों, दीवारों के बीच में आजकल थर्माकोल लगाने का चलन चल पड़ा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अपने घर को ईंट से बचाना चाहते हो, बल्कि ऐसा इसलिए है ताकि वो गर्मी से और सर्दियों में सर्दी से बचा रहेगा। दोस्तों, थर्माकोल एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने घरों की दीवारों के बीच लगा लो तो गर्मियों में आपकी गर्मी से बचत हो जाएगी और सर्दी आते ही आपको सर्दी से भी बचत हो जाएगी। तो क्या आप भी गर्मी और सर्दी से बचने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल करना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। नंबर 2, मैक्स रिपर। दोस्तों, दीवार बनाने का काम खत्म होता है वैसे ही दीवारों के बीच बिजली की फिटिंग करने का काम शुरू हो जाता है, जिसको हथौड़ी और छैनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब ये काम आपका और भी ज्यादा आसान होने वाला है क्योंकि अब इन काम को करने के लिए एक शानदार मशीन आ चुकी है। हाँ, जो दीवार को बड़ी आसानी से और बहुत शानदार तरीके से काटती है, जिसके बाद आपका बिजली का तार लगाने का काम आसान हो जाता है। नंबर 1, हैंडमेड रूफ टाइल्स। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जिस टाइल को आप अपने घरों की छतों पर लगाते हो उसको किसके द्वारा बनाया जाता है? अगर आप ऐसा सोचते हो कि इन मशीनों के द्वारा बनाया जाता होगा तो आप शायद कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि इस मजदूर को देख लो, ये बहुत मेहनत करके इस तरह की शानदार टाइल बनाने का काम करता है और आपके घरों को सजाने के लिए घंटों धूप में बैठ कर मेहनत करता है। तो दोस्तों, दीवार बनाने की कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा शानदार लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। साथ ही मनीष सिंह और शाहजहां हमारे दो ऐसे व्यूअर हैं जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो हमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।